नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां छाएगा कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर, अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के आसार। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, दो दिन पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाने का अनुमान। पंजाब में दो दिन चलेगी शीतलहर, उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने की संभावना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। इसके साथ ही आज और कल पंजाब और हरियाणा में भी छाएगा घना कोहरा। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में आज तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन ओडिशा में ओले पड़ने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में भी दो दिन ओले पड़ने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवाओं का अनुमान है। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी दो दिन कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं। आज ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब मौसम पूर्वानुमान में जानते हैं दो दिन देश भर में कैसा रहेगा बारिश का हाल। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं, तो कल बिहार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आज और कल झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं दो दिन गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बादल बरसेंगे। आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल होगी बरसात। आज पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कल बरसात की संभावना है। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कल बारिश की संभावना है। दो दिन केरल में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही ओडिशा में भी बादल बरसे। इस दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हुई। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। और अब बात करते हैं तापमान की। पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। लक्षद्वीप के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा, तो हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के पुनलूर में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की। असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गुजरात में बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है। वहीं झारखंड में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। ऐसे में कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें, साथ ही रबी की दलहनी फसलों में जरूरत के हिसाब से निराई करें और खरपतवार निकालें। इसके अलावा सिंचाई करते समय मिट्टी और जलवायु का ध्यान रखें। अरहर और चना फसल में कीट प्रबंधन करें, जरूरत होने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। गुजरात में गन्ने की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें, गन्ने के पौधों से सूखे पत्ते निकाल दें। वहीं बात करें झारखंड की, तो यहां के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाएं, साथ ही गर्मियों के लिए सब्जी की बुआई करें। इसके अलावा जिन सब्जियों की पौध तैयार हो गई हो उनकी रुपाई करें। झारखंड में जिन इलाकों में आलू की फसल तैयार हो गई है वहां के किसान आलू के बाद मूंग की खेती कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए SSL 688 किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ के खेत के लिए 12 किलो बीज पर्याप्त है। मौसम को देखते हुए यहां के किसान लौकी की भी बुआई कर सकते हैं।
मौसम के अनुरूप और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खेती करना हमेशा फायदे का सौदा रहता है। इस मौसम में किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय विशेषज्ञों की सलाह भी ले तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। शिमला मिर्च की रोपाई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। ये समय शिमला मिर्च की रोपाई के लिए एकदम सही है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे देश के काफी इलाकों में पाला भी पड़ेगा। ऐसे में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाले से फसल को बचाने के लिए फसल में सिंचाई का ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है। फसल को पाला लगने से पौध सूख जाती है, झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर कर लें। पाला पड़ने की स्थिति में पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए इमिडा क्लोरोपिट दवा की 1 मिलीमीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित पौध पर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान तैयार मटर की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अदरक की खुदाई कर लें। असम में सरसों की कटाई करें और बोरो धान की रोपाई पूरी कर लें। मेघालय में मूली, गाजर और तिल की तैयार फसल की कटाई करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें। मेघालय में टमाटर, शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार रबी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पर विशेषज्ञ से होगी खास बातचीत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। नागालैंड के किसान तैयार मटर की कटाई करें। मिजोरम में मटर सोयाबीन की कटाई करें और साथ ही हल्दी की खुदाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान ककड़ी टमाटर बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं। बिहार में गर्मियों की सब्जी फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के किसान सब्जी फसलों में हल्की सिंचाई करें। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से न सिर्फ पानी की भारी बचत होती है बल्कि अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है। रबी के दौरान फव्वारा और टपक सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां किस तरह से लाभकारी होती हैं, इस बारे में जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता अदिति शर्मा ने बात की डॉक्टर कपिल देव अमेटा से, जो उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में उद्यानिकी के प्राध्यापक हैं। हम सभी जानते हैं कि खेतीबाड़ी की बात हो तो जल उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है और जल के बिना तो खेतीबाड़ी संभव हो ही नहीं सकती। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम उसकी महत्ता को समझें और उसे बचाने के लिए प्रयास करें। और अगर हम बात करते हैं फव्वारा और टपक सिंचाई की, तो ये जल को बचाने में तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी लागत में भी काफ़ी कमी आ जाती है। और क्या लाभ हैं फव्वारा और टपक सिंचाई के, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल देव अमेटा, जो प्रोफेसर है उद्यानिकी विभाग राजस्थान कृषि महाविश्वविद्यालय उदयपुर में जो स्थित है। डॉक्टर कपिल देव स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि रबी की जो फसलें अभी हमारे किसानों के खेतों में लगी हुई हैं, अगर उसमें वो फव्वारा या टपक सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उन्हें लाभ मिल सकता है? हाँ जी, देखिए फव्वारा और टपक विधि से सिंचाई करने से सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ वो है कि 30 से लेकर 60% तक जल की बचत हो रही है, साथ में जो सिंचाई करने में जो मजदूरी लगती है वो नहीं लग रही है, तो मजदूरी की बचत हो रही है। इसके द्वारा जो जल में घुलनशील उर्वरक है उनको सीधा वेंचुरी के माध्यम से पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, तो जो उर्वरक डालने में जो मजदूरी होती है उसकी भी बचत हो रही है और साथ ही साथ उस जल की भी जो उसकी उर्वरक की क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, उसका पूरा उपयोग हो पाता है। इसके अलावा इन विधियों से उबड़ खाबड़ जमीन पर खेती की जा सकती है। अगर जमीन रेतीली है या चिकनी मिट्टी किसी भी प्रकार की मिट्टी है तो भी बूंद बूंद और फव्वारा विधि उतनी ही उपयोगी हैं। एक बार में अगर इसका इंस्टॉलेशन कर दिया जाए, किसान अगर अपने खेत में एक बार इसका टपक विधि या फव्वारा विधि लगा देता है तो 15 से 20 साल तक उसका उपयोग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल उसको बदलना है, तो इस प्रकार से जल का बचत हो रही है, मजदूरी की बचत हो रही है, तो निश्चित रूप से किसान का लाभ भी बढ़ेगा उसमें। जी बिल्कुल, तो लाभ को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं कि निभा सकती हैं ये सिंचाई पद्धतियां जो हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसान इसे अपनाएं तो, लेकिन उन्हें ये शंका रहती है कि सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलेगी उन्हें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो कृषि विभाग हैं राज्य सरकारों के, वो इसमें 50 से लेकर 70% तक अनुदान देती है, तो किसान निकटतम जो सरकारी कार्यालय हैं उद्यान विभाग के या कृषि विभाग के या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर पता कर सकता है, कृषि विश्वविद्यालय में जाकर पता कर सकता है, तो निश्चित रूप से वहां पर जानकर मिलेगी। और अगर 50 से 70% का अनुदान मिलता है तो मुझे लगता है किसान को मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये ही प्रति एकड़ की लागत आएगी, और वो लागत तो मैं समझता हूँ कि 2 या 3 फसल में ही उसकी निकल जाएगी, इतना उसको मुनाफा होगा, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है, पानी का सिंचित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि जो पानी बच रहा है तो निश्चित रूप से किसान जो दूसरे खेत में जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर भी उसके द्वारा सिंचाई कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो जाना आपने कि अगर आप इन सिंचाई पद्धतियों को अपना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। एक तो पानी की बचत होगी, लागत में कमी आएगी, मजदूरी में भी आपको कम ही खर्च करना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारियां आप जरूर ध्यान में रखें और इन सिंचाई पद्धतियों को जरूर अपनाएं, क्योंकि सरकार भी इन्हें अपनाएं इसके लिए काफी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अदिति शर्मा, दूरदर्शन किसान के लिए। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। आज और कल पंजाब और हरियाणा में भी छाएगा घना कोहरा। गांगेय पश्चिम बंगाल में आज तेज हवाओं का अनुमान है।
दो दिन ओडिशा में ओले पड़ने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में दो दिन ओले पड़ने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। आज विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना है। कल तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। शीतलहर चलने के आसार हैं। उत्तरी राजस्थान में भी दो दिन कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। आज ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और आइए फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर, अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के आसार। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, दो दिन पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाने का अनुमान। पंजाब में दो दिन चलेगी शीतलहर, उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने की संभावना। मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।